वीर सावरकर जिनका जन्म छोटे से गांव में हुआ, गरीब किसान के घर में जन्म लेकर, साधारण परिवार में जन्म लेकर जिन्होंने वीरता के नए आयाम रचे, आज एक बयान बड़ा चर्चित है। आज एक चीफ मिनिस्टर हैं, शायद छत्तीसगढ़ के हैं, भूपेश बघेल जी। वो भूपेश बघेल जी की विभाजन होगा, जिन्ना चाहता है, मुस्लिम लीग चाहती है, तो उन्होंने विभाजन में ये शर्त रखी थी, अब यदि विभाजन हो तो सारे, अगर ये विभाजन धर्म के आधार पर हो रहा है तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए और सारे हिंदुओं को यहाँ पर रखा जाए। उनकी दृष्टि बड़ी सुस्पष्ट थी कि या तो भारत एक रहे, और यदि अलग रहता होता है धर्म के आधार पर तो फिर ये भारत के अंदर ये जख्म ना रहे मुसलमानों का। और ये बातें कहने में, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि सेक्युलर देश बने, गंगा जमुना की तहजीब हो, संस्कृति हो, सब मिलजुल कर रहे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम विचारधारा है वो 99% मुसलमानों की हम बात करें तो बहुत कट्टर विचारधारा है। उस कट्टर विचारधारा में उनके जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मान देना, दूसरे व्यक्तित्व, व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करना, दूसरे की मर्यादाओं का, परंपराओं का, संस्कृति का पालन करना, ये कहीं कोई उनकी उनकी जो DNA की, उनके जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है उसमें कहीं होता नहीं है। तो सावरकर ने कहा था कि यदि विभाजन हो रहा है तो फिर सारे मुसलमानों को भारत से बाहर भेज दिया जाए। और मुझे लगता है कि अगर ये हो जाता तो भारत आज से पहले विकसित देश बन चुका होता। अभी राहुल गांधी जैसे लोग आते हैं जो चुनाव में खुलेआम कहते हैं कि 72,000 रुपये हर उस व्यक्ति को मिलेंगे जो गरीब है। इस देश में ऐसे जाहिल लोगों की कमी नहीं है जो बच्चे पैदा करने को ये मानते हैं कि ये तो भगवान का प्रसाद है। जिन जो अपने देश को देश नहीं मानते, जिन जो अपने भारत को भारत नहीं मानते, भारत माता को भारत माता नहीं मानते, तो ऐसे लोगों के लिए वीर सावरकर ने जरूर कहा कि उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। और दो देश बनते हैं तो कम से कम जो देश का हिस्सा बचे वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को मानने वाला हिस्सा हो, उसमें कहीं अरब का प्रभाव ना हो, उसमें किसी विदेशी संस्कृति का प्रभाव ना हो, इसका धर्म का नाम नहीं दिया जाए। तो वीर सावरकर, भूपेश बघेल जी बिल्कुल, जहाँ कांग्रेस और वामपंथी लगातार उनको बदनाम करने के लिए साजिशें रचती रहते हैं। और आज आपको मैं बता दूं कि 1906 में महात्मा गांधी जब महात्मा नहीं बने थे, मोहनदास करमचंद के रूप में वो अफ्रीका से यहाँ आए थे। अफ्रीका से यहाँ आकर उन्होंने वीर सावरकर से मुलाकात की और वीर सावरकर से वो जानना चाहते थे कि अफ्रीका में मैं जो आंदोलन चला रहा हूँ उस आंदोलन को कैसे चलाऊँ। वीर सावरकर ने अभिनव भारत के नाम से एक संगठन बनाया था। 1905 में वीर सावरकर ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का, उस समय युवा थे सावरकर, उस समय उनका आइडिया था, और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का काम वीर सावरकर ने किया था। जब उसके बाद वीर सावरकर जब लंदन में पहुंचे तो लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक ऐसा स्थान बनाया हुआ था जहां पर भारतीय आकर अपनी पढ़ाई करते थे, तो इंडिया हाउस के नाम से एक बिल्डिंग लंदन में थी, अभी भी है। मैंने बहुत कोशिश की, लंदन गया तो उसको मैं खोजूं, लेकिन मैं खोज नहीं पाया। तो उस इंडिया हाउस में वो भारतीयों को शरण देते थे, और खासकर जो क्रांतिकारी होते थे, साधारण परिवार के होते थे, उनको वहां पर शरण मिलती थी कि आप यहाँ लंदन में आ गए तो आपके रहने की कोई चिंता नहीं, आपके खाने की कोई चिंता नहीं, आप इंडिया हाउस में रहो। और इंडिया हाउस एक तरीके से वहां पर क्रांतिकारियों का अड्डा था। ब्रिटेन के गुप्तचर इंडिया हाउस के आसपास मंडराते रहते थे, और ये जितनी भी क्रांति की योजनाएं बनती थी वो इंडिया हाउस में बनती थी। तो वीर सावरकर इंडिया हाउस में रहते थे, और इंडिया हाउस में, अब मैं थोड़ा सा आपको पहले ले जाना चाहता हूँ, जो 1857 की क्रांति हुई, उस 1857 की क्रांति के समय केवल 44,000 अंग्रेज पूरे देश में थे। उस समय मंगल पांडे, अजीमुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, इन सब ने योजना बनाई थी कि ये जो 44,000 अंग्रेज हैं, हमारे देश के सिपाही लगभग 10 लाख हैं, 20 आदमी एक अंग्रेज को दबाएंगे तो हथियार नहीं भी होगा तो हम उसको दबा लेंगे और उसको एक ही रात में पूरे भारत को अंग्रेज मुक्त कर देंगे। तो 1857 का सुनियोजित षड्यंत्र, जिसको अंग्रेज कहते हैं, जो हमारे लिए क्रांति थी, उस क्रांति की योजना तैयार की गई। उस क्रांति के लिए एक एक छावनी में रोटी और रक्त कमल भेजा गया। उस क्रांति के लिए संगठित रूप से संगठन बनाया गया और एक तिथि तय की गई कि हम 31 मई को क्रांति करेंगे। मंगल पांडे ने 10 मई को क्रांति प्रारंभ कर दी। 1857 की क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, तो उस क्रांति को जो अंग्रेजों ने नाम दिया वो नाम दिया था गदर। गदर का शब्द का अर्थ क्या है? गदर का अर्थ है
विद्रोह का अर्थ है किसी अच्छे काम को ना करने के लिए कुछ अनुशासनहीन लोगों द्वारा विरोध, उसको कहा जाता है गदर या विरोध। गदर क्या है? जैसे शराब, चार शराबी इकट्ठे हुए, चार शराबियों ने कुछ भी कहना शुरू किया तो हम क्या कहते हैं कि उन्होंने गदर मचा रखा है। तो 1857 की क्रांति को क्रांति ना कहकर उसको गदर कहने का काम अंग्रेजों ने किया था। वो 1857 को गदर कहते थे या सिपाही विद्रोह कहते थे या 1857 का विद्रोह कहते थे, लेकिन उन्होंने उसको क्रांति का नाम नहीं दिया था। तो वीर सावरकर ने इन 50 सालों में 1857 का कोई लिखित इतिहास नहीं था, अंग्रेज उसको कोई महिमा नहीं देते थे, और भारत के भारतीयों का 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों ने इतना दबा दिया था कि एक तरीके से उन्होंने ये मान लिया था कि अब भारत में दोबारा कभी सशस्त्र क्रांति नहीं होगी। उसके बीच में बहुत से वो कानून ले आए थे, प्रेस का एक्ट ले आए थे, जंगलों का कानून ले आए थे, उसके बीच में वो हथियारों का कानून ले आए थे। 1857 से पहले कोई भी व्यक्ति हथियार रख सकता था, उसके बाद में उन्होंने पूरे देश को और पूरे भारतीय समाज को निहत्था करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक ये कानून यहाँ पर लागू किए, जिसमें आर्म्ड एक्ट यहाँ पर लागू किए, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की, बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई भी हथियार नहीं रख सकता। तो 1857 की क्रांति को बहुत हीन दृष्टि से पूरे साहित्य में, पाठ्यक्रम में छापा जाता था। और तब की बात क्या करें, अभी की भी हम बात करें तो आज़ादी के 70 सालों बाद भी हमें बचपन में जो हमें पढ़ा है वो हमने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं गदर पढ़ा है या सिपाही विद्रोह पढ़ा है। ये सब वामपंथी और अंग्रेज लेखकों का षड्यंत्र था। तो 1907 में उस समय वीर सावरकर ने मराठी भाषा में 1857 की क्रांति के सारे दस्तावेजों को इकट्ठा किया। 1857 की क्रांति के अंग्रेजों की लाइब्रेरी में जाकर, इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में जाकर, दूसरी जगह जाकर उन्होंने तथ्य इकट्ठे किए और तर्क के साथ, तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ ये सिद्ध किया कि वो कोई विद्रोह नहीं था, वो रानी लक्ष्मीबाई की अपनी रियासत की लड़ाई नहीं थी, वो केवल कुछ समय होने, कुछ जगह पर होने वाला विद्रोह नहीं था, वो पूरे भारत का सुनियोजित क्रांति थी, ये उन्होंने सिद्ध किया। तो 1857 का स्वातंत्र्य समर के नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। पहले वो मराठी में लिखी गई, उस समय प्रेस नहीं होती थी, छापने के लिए बड़ी दिक्कत थी, लेकिन वीर सावरकर को पता था कि यदि देश में क्रांति करनी है तो देश में अच्छे साहित्य की आवश्यकता है। तो उन्होंने उसको छपवाने के लिए पहले लंदन में कोशिश की, लंदन में वो सफल नहीं हुए, ब्रिटेन में सफल नहीं हुए, तो फिर उन्होंने पेरिस में कोशिश की, जर्मनी में कोशिश की। जब जर्मनी में भी वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने एक देश, यूरोप का एक छोटा सा देश है हॉलैंड, हॉलैंड में उन्होंने ट्राई की और हॉलैंड में उस पुस्तक को उन्होंने छपवाया। पहले मराठी भाषा में छपवाया, चोरी छुपे उसको भारत में भेजा। भारत के नौजवान उसको गीता की तरह रखते थे, उसको पढ़कर उनको असीम गौरव की अनुभूति होती थी और उनकी रगों में, खून में उबाल आता था कि 1857 की क्रांति की, अब हमें उससे भी अधिक सफल क्रांति करनी है। और इस पुस्तक का महत्व तो कितना है आप अंदाजा लगा लीजिए। यही पुस्तक पहले वीर सावरकर ने छापी, उसके बाद यही पुस्तक भगत सिंह ने छापी, उसके बाद इस पुस्तक का अगला संस्करण लाला हरदयाल ने निकाला, इसी पुस्तक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने छापा। आप अंदाजा लगा लीजिए जितनी भी महान स्वतंत्रता की विभूतियां हैं उनकी प्रेरणा का मूल ग्रंथ वीर सावरकर का 1857 का स्वातंत्र्य समर है। मेरे पास कार्यालय में वो पुस्तक रखी हुई है। उस पुस्तक को एक हर एक कार्यकर्ता को, हर एक क्रांतिकारी को और भारतवासी को जरूर पढ़ना चाहिए। उस पुस्तक को तो मैं ये कहता हूँ कि पाठ्यक्रम में लगा देना चाहिए। अब उस पुस्तक को पाठ्यक्रम में लगाने की जब भी बात करते हैं तो वामपंथियों के पेट में दर्द हो जाता है, वो उस पुस्तक की बहुत आलोचना करते हैं। तो वो ऐसी पुस्तक थी। उस पुस्तक के ऊपर 1940 तक अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा कर रखा। अंग्रेज उस पुस्तक के बारे में ये मानते थे कि ये पुस्तक वो दस्तावेज है जो अंग्रेजों के साम्राज्य की चूलें हिला सकता है। तो वीर सावरकर वो क्रांतिकारी थे। 1909 में एक और घटना हुई। 1909 में मदनलाल धींगड़ा नाम का एक नौजवान था, उसने 9 जुलाई को करजन वायली की हत्या की। करजन वायली को मारकर हिंदुस्तान के अपमान का बदला लिया। तो करजन वायली की हत्या के लिए इस पूरी योजना के पीछे जो मस्तिष्क था वो वीर सावरकर का था। वीर सावरकर ने मदनलाल धींगड़ा को तैयार किया, मदनलाल धींगड़ा की परीक्षा ली, मदनलाल धींगड़ा को पूरी योजना बनाकर दी और वीर सावरकर ने ही मदनलाल धींगड़ा को पिस्तौल उपलब्ध करवाई। और वीर सावरकर कितने बड़े क्रांतिकारी थे, वहां पर गए लंदन में, तो लंदन में जाकर उन्होंने बम बनाना सीखा। और उनकी योजना थी कि भारत के अंदर मैं ऐसे हजारों नौजवानों को तैयार करना चाहता हूं जो बम बनाने का काम करे। उस समय का बम बनाना
आज से 100 साल पहले, इसका मतलब क्या है कि उस समय का बम बनाना आज के समय में मिसाइल बनाना, इसको आप इस टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर सकते हैं कि उस समय कहीं कोई छोटा बम बनाना भी ऐसे ही था, इतना गुप्त था, उसके रसायन नहीं मिलते थे, उसकी कंपोजिशन का नहीं पता था, उसको कैसे बनाया जाए उसका नहीं पता था। आज के ज़माने में कोई कंप्यूटराइज मिसाइल बनाना, ये टेक्नोलॉजी उस समय के बम बनाने की टेक्नोलॉजी थे। तो ये काम वीर सावरकर ने किया था। वीर सावरकर ने इसके साथ साथ जो वहाँ जो संगठन बनाया उसमें उनकी योजना थी कि हम अपने नौजवानों को छत्रपति शिवाजी की तरह गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दें। अंग्रेजों से सीधे सीधे लड़ना संभव नहीं है, तो गोरिल्ला युद्ध हम अगर अपने नौजवानों को सिखा देंगे तो वो छत्रपति शिवाजी के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की कि वकालत की परीक्षा पास करके वो चाहते तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की तरह एक अमीर वकील हो सकते थे। आपने देखा होगा ना कि ये जो 1900 से लेकर 1950 तक का 40 तक का जो समय था, जितना हिंदुस्तानी ब्रेन होता था वो इंजीनियर नहीं बनता था, वो डॉक्टर नहीं बनता था, वो क्या करता था, उसका एक ही सपना होता था कि मैं बैरिस्टर बनूं, मैं वकील बनूं। मोतीलाल नेहरू क्या बने? वकील बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी क्या बने? वकील बने। महात्मा गांधी किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए गए? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए उनके घर वालों ने उनको भेजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बने? वकील बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो दूसरे भाई थे वो क्या बने? वो लंदन में जाकर वकील बने। तो उस समय जो सबसे अच्छा काम माना जाता था, जहाँ भी अंग्रेजों का राज था वहाँ पर अंग्रेजी वकीलों की आवश्यकता थी, और अंग्रेजी वकीलों को तैयार करने के लिए लंदन में पढ़ना पड़ता था। तो जो हिंदुस्तान के या जो भारत ब्रिटेन के जितने भी गुलाम देश थे उनमें जो टॉप ब्रेन होता था वो क्या करता था? वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करता था, वकालत की पढ़ाई करता था। और ये माना जाता था कि एक बार अंग्रेजों की वकालत की पढ़ाई कर ली तो पूरा जीवन बहुत ऐश और आराम के साथ बीतेगा। उस समय आप ये मान लीजिए कि एक वकील की कीमत कितनी होती थी कि महात्मा गांधी इंडिया के थे लेकिन वकालत करने के लिए उनको अफ्रीका तक बुलाया जाता था। तो ऐसी ऐसी वकालत की उस समय वैल्यू थी। तो वकालत पास की, लेकिन वकालत पास करने के बाद जब उनको कहा कि राजा के नाम से शपथ लेनी है तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटेन के राजा के नाम से शपथ नहीं लूंगा। और वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और जिसकी डिग्री के ऊपर और वकालत करने के ऊपर अंग्रेजों ने रोक लगाई थी। तो करजन वायली को उन्होंने तैयार किया। उसके बाद उनको जब ये देखा अंग्रेजों ने कि वो लगातार लिखते रहते थे, और वो जो लिखते थे वो ज्वाला लिखते थे, पत्रक बनाते रहते थे, पोस्टर बनाते रहते थे, अलग अलग लेख लिखते रहते थे। उस समय युगांतर एक पत्रिका आती थी, उसमें लेख लिखते थे, कुछ अपने नाम से लिखते थे, कुछ दूसरों के नाम से लिखते थे। तो अंग्रेजों ने ये देख लिया था कि ये बहुत 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 तेज़ दिमाग का ये भारतीय है, और ये विनायक दामोदर सावरकर को यदि हमने बाहर छोड़ा तो ये अंग्रेजों की साम्राज्य की चूल्हे हिला देगा। तो उन्होंने उसके ऊपर, यद्यपि कोई आरोप नहीं था दामोदर सावरकर के ऊपर, अंग्रेज कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, वो षड्यंत्र की तह में थे, लेकिन इतने चुस्त थे कि कहीं भी उनका नाम दिखाई नहीं देता था। तो कुछ पुस्तकें लिखने और पत्रक लिखने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पेरिस से गिरफ्तार किया गया, लंदन से गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके 13 मई को गिरफ्तार किया गया। तो उनको इंडिया लाया जा रहा था, तो इंडिया लाते हुए फ्रांस के तट पर 7 जुलाई 1910 में, बहादुरी का काम देखिए, जहाज में उनको कैद किया हुआ है, पुराने जमाने का जहाज है, जहाज से कूदकर भाग गए। समुद्र के बीच में कूदना, जहाँ शार्क रहती हैं, जंगली जानवर रहते हैं, और विदेश की धरती के ऊपर जहाँ कुछ अता पता नहीं हो, तो वो जहाज के गुसलखाने में गए, बाथरूम में गए थे, तो वहाँ पर एक शीशा लगा हुआ था जहाँ से दिखाई देता था कि कैदी अंदर क्या कर रहा है, तो बाहर से सुरक्षाकर्मी देखता था। तो वो अपना गाउन पहनकर गए, गाउन को उन्होंने शीशे के ऊपर टांगा, हॉल को देखा जो सीवर का हॉल था, उस रोशनदार के हॉल से उन्होंने पहले जजमेंट कर लिया था कि मैं यहाँ से कूद सकता हूँ। उस होल से कई मंजिल ऊपर से वो जहाज से नीचे पानी में कूद गए, और कूद कर उनकी बहादुरी और वीरता देखिए, वो फ्रांस के समुद्र के किनारे पर पहुँच गए। जैसे ही वो कूदे तो अंग्रेजों के जहाज में अंग्रेजों के सुरक्षाकर्मियों को पता लग गया, उन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई, गोली से भी वो बच गए। समुद्र के तट पर तैरते तैरते कई मील तैरते तैरते वो समुद्र के तट पर पहुँच गए। समुद्र के तट के ऊपर वो पहुँचे तो पीछे पीछे वो जहाज को लेकर उनको पकड़ने के लिए आए। तो उस समय भी क्या कानून था कि जो राजनीतिक बंदी हैं वो यदि किसी दूसरे देश में शरण मांगे, तो उस समय जिनेवा का एक कानून बना हुआ था कि कोई दूसरा देश यदि दूसरे देश में यदि वो शरण मांगते हैं तो दूसरा देश शरण देगा उनको, और फ्रांस
में अंग्रेज जाकर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। तो वो फ्रांसीसी सिपाही के पास पहुंचे, वहां पर एक सिपाही गश्त लगा रहा था, उसने कहा कि आप मुझे गिरफ्तार कर लो और मुझे अपने मजिस्ट्रेट के पास ले चलो, मुझे यहाँ पर राजनीतिक शरण चाहिए। तो उसने फ्रांस सिपाही को अंग्रेजी में कहा वीर सावरकर ने, उसको अंग्रेजी समझ नहीं आई, तभी पीछे पीछे वो अंग्रेज सिपाही दौड़ते हुए आ गए और अंग्रेज सिपाहियों ने इल्लीगल तरीके से फ्रांस के तट पर उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके वो ले आए और उसके बाद ये मुद्दा बना और फ्रांस ने भी इसके ऊपर अंग्रेजों से आपत्ति दर्ज करवाई कि आपने हमारी टेरिटरी में आकर आपने किसी व्यक्ति को हमारी सूचना और अनुमति के बिना गिरफ्तार किया है। तो वीर सावरकर जहाज से कूदने के बाद फिर उनको अंग्रेजों की कोर्ट में ले जाया गया। अंग्रेजों की कोर्ट में ले जाया गया तो अंग्रेज जज ने ये कहा कि ये जो कैदी है, ये वीर सावरकर है, ये इतना खतरनाक है कि इसको हम हिंदुस्तान की किसी जेल में नहीं रख सकते। हिंदुस्तान की किसी भी जेल में हम रखेंगे तो निश्चित तौर पर इसके साथ ही इसको छुड़ा लेंगे और ये जेल तोड़कर भाग जाएगा। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आसपास 100-200 किलोमीटर की जेल में भी नहीं रख सकते। तो उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार में एक जेल ऐसे ही कैदियों के लिए बनाई थी, जो ऐसे खूंखार कैदी हों जो समाज में या देश में बिल्कुल रह नहीं सकें और जिनका देश में रहना बहुत मुश्किल हो, जिनसे अंग्रेजों को अपने राज में खतरा हो, ऐसे लोगों को लेकर, राजनीतिक बंदियों को लेकर अंडमान की जेल बनाई गई थी। अंडमान क्या है? भारत में कलकत्ता से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। उसमें जो मेन द्वीप है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर भी छोटा सा है, आज भी पोर्ट ब्लेयर में जाएं तो आप बहुत सुंदर हैं। जब अंग्रेज गए उससे पहले वहाँ पर कोई नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने वहाँ पर, अंग्रेज घूमते घूमते पहुँचते थे वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये सुनसान निर्जन टापू है, इस टापू के ऊपर जेल बना ली जाए। तो पहले कैदियों को भेजा गया, जंगल में भेजा गया, जंगली मकड़ियाँ होती हैं, चींटियाँ होती हैं, जंगल भयानक है, वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। और अंडमान में अभी भी आप देखते होंगे कि जारवा नाम की आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं जो तीर से शिकार करती हैं। कुछ एरिया अभी भी अंडमान में ऐसा है जहाँ पर जाने की मनाही है और वहाँ पर यदि कोई टूरिस्ट चला जाता है तो उसको तीरों से वो आदमी, आदिवासी मार देते हैं। और वो आदिवासी आज भी ना भाषा समझते हैं ना ही वो कपड़े पहनते हैं। तो उस समय अंग्रेज गए वहाँ पर, तो वहाँ पर जो बंदियों को लेकर गए उनसे ही उन्होंने जेल बनवाई। तो वीर सावरकर को काले पानी की सजा दी। काले पानी के नाम से आपने सुना होगा, बचपन में कहते थे कि काले पानी में ऐसा पानी है कि हाथ डाल दो तो हाथ गायब हो जाता है। वो तो कहने सुनने की बात थी, लेकिन काले पानी के बारे में ये कहा जाता था कि काला पानी जो एक बार चला गया वो जीवित वापस नहीं आ सकता। तो अंग्रेजों की जज में, अंग्रेजों की कोर्ट में जब उसको ले, उनको वीर सावरकर जी को ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि ये इतना खतरनाक है, इसको हम अपने देश की किसी जेल में रख नहीं सकते, तो इसको तो काले पानी ही भेजा जाना चाहिए। तो वीर सावरकर और उसके भाई को काले पानी की सजा हुई। और आप चमत्कार देखिए, वीर सावरकर कितने बड़े क्रांतिकारी थे। वीर सावरकर को अंग्रेजों ने एक जन्म की नहीं, दो दो जन्मों का कारावास दिया। ईसाई धर्म में दूसरे जन्म को माना नहीं जाता, लेकिन दूसरे जन्म, दो दो जन्म का कारावास वीर सावरकर को दिया गया। तो वीर सावरकर जेल में हंस पड़े और जेलर से कहते हैं कि मुझे, तुमने मुझे दो जन्मों का कारावास दिया, मुझे इसका गम नहीं है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम ईसाई हो, तुम पूर्वजन्म पुनर्जन्म को, आत्मा को नहीं मानते थे, तुमने हमारी वैदिक मान्यता, हमारी भारतीय मान्यता, पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, मुझे दो जन्म तभी आपने दिए हैं। तो वीर सावरकर को अंडमान में भेजा गया। अंडमान में उस जेल में समुद्र का खाना पानी मिलता है, पीने के लिए रोज मुश्किल से आधा लीटर वो पानी उपलब्ध करवाते थे, नहाना कभी होता नहीं था, कोल्हू में जोता जाता था, बैल जो कोल्हू चलाता है उसमें तीन तीन बंदियों को जोता जाता था, बैल 15 पौंड तेल निकालता है, पूरे दिन चलता है, उन बंदियों से 40-40, 50-50 पौंड तेल निकलवाया जाता था, रात को 12-12 बजे तक काम करवाया जाता था, जो कोड़े होते हैं जो गधे घोड़ों को मारते हैं उन कोड़ों से वहां पर जो हमारे क्रांतिकारी होते थे उनकी पिटाई की जाती थी। किसी ने यदि थोड़ी सी भी लापरवाही की, टॉयलेट करने के लिए भी समय निश्चित होता था कि रात को किसी को टॉयलेट करना है तो 13x7 फीट की अपनी कोठरी में करो, वहीं पर पेशाब करो, वहीं पर सोते रहो। एक लोहे का बर्तन होता था जो नित्य क्रिया करनी है, रात को पेशाब करना है तो वो भी उसी में करो। वहां पर खाने पीने में जो जंगल से घास फूस काट कर लाते थे, कई बार वीर सावरकर लिखते हैं कि उसमें सांप आ जाते थे तो सांप की केचुली को भी, सांप को भी उसके बीच में ही काट कर पका दिया जाता था। खाने में तेल की बदबू आती रहती थी, चावल की का जो पानी है वो पानी दिया जाता था। खाने पीने के नाम पर जंगली
जंगली सब्जियां जिसमें कोई पोषण नाम की चीज नहीं, भूखा रखा जाता था, मारा जाता था। 104 डिग्री, 105 डिग्री, वीर सावरकर अपनी जीवनी में लिखते हैं कि 107 डिग्री एक बार मुझे बुखार था, उस 107 डिग्री बुखार में भी बेड़ी लगाकर, बेड़ी मतलब लोहे का सरिया सिर से लेकर, पैर से लेकर कमर तक बांध दिया और कमर से लेकर गर्दन तक बांध दिया, जिसमें व्यक्ति चाहे तो भी बैठ नहीं सकता। बेड़ी, पैर में बेड़ी, जैसे लोहे का लगभग 3 फीट का सिरिया, लोहे का एक रिंग एक पैर में पहना दिया, एक रिंग दूसरे पैर में पहना दिया और उसके बीच में 1.5 फीट का, 2.5 फीट का एक सरिया बांध दिया, तो उन दोनों पैरों को हम पास में ला ही नहीं सकते। तो ऐसी बेड़ियां लगा देते थे जिसमें पूरे पूरे दिन, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक खड़ा रखा जाता था। खड़ा होने की सजा दे दी, कोड़े मारने की सजा दे दी, किसी को हल्का काम दिया तो नारियल की रस्सी बनाने का काम देते थे। नारियल की रस्सी बनाना मतलब कई किलो नारियल दे देते थे कि नारियल को छीलो, नारियल को छीलकर उसकी कुटाई करो और कुटाई करने के बाद उसको, उसकी रस्सी बनाओ, तो उंगलियों के अंदर से खून रिसने लगता था क्योंकि नारियल बहुत हार्ड होता है, उसकी रस्सी बनाए तो जो ऊपर की स्किन है वो क्रांतिकारियों की उतर जाती थी। इतने भयंकर दयनीय, इतनी भयंकर यातनाएं हमारे क्रांतिकारियों ने अंडमान में सही हैं। हमारे क्रांतिकारियों को और क्या काम दिया जाता था वहां पर, जैसे अंडमान का जो इलाका है वो ऊंचा नीचा इलाका है, उस ऊंचे नीचे इलाके में जब कोई जेल या कोई भवन बनता था तो उस भवन को बनाने के लिए क्रांतिकारियों को लगा दिया जाता था कि ईंट ढोकर ऊपर लेकर जाओ, जंगल में लकड़ियां काटो, जंगल को साफ करो, पूरे दिन कटाई करते रहो। पानी, अंग्रेजों के जो वहां पर अफसर रहते थे वो पानी का खुला दुरुपयोग करते थे, तो उनका पानी भरने में लगा दिया जाता था कि सुबह से लेकर शाम तक पहाड़ी के ऊपर मटका अपने सिर के ऊपर रखो और पहाड़ी के ऊपर पानी पहुंचाते रहो। तो इस प्रकार से यातनाएं देने का काम किया जाता था। और कोई भी बंधु एक साल में केवल एक चिट्ठी अपने घर वालों को लिख सकता था, किसी भी घर वाले को उनके यहाँ आकर मिलने की इजाजत नहीं थी। और कोई व्यक्ति यदि अंडमान की काल कोठरी में मर गया तो उसकी कोई खबर, हम भारत के कहें, मेनलैंड को कहें, तो वहां पर किसी अखबार में छापा नहीं जाता था। किसी भी भारत की किसी अथॉरिटी, किसी व्यक्ति, किसी समाचार पत्र, किसी मीडिया, किसी मानवाधिकार को वहां अंडमान में जाकर वहां पर निरीक्षण करने की, वहां पर बात करने की, हालचाल देखने की वहां पर अनुमति नहीं थी। तो ऐसी ऐसी भयंकर यातनाएं वहां थी। और वो जो अंडमान की जो काल कोठरी थी ना, वहां पर अंग्रेज उसको वहां पर भेजते थे, जिसको फांसी की सजा देनी होती थी उसको तो निपटा देते थे, लेकिन जिसको फांसी से भी बदतर सजा देनी होती थी उसको अंडमान में भेजते थे। उस अंडमान की काल कोठरी में जो रहते थे उनका मनोबल 3-4 दिन के अंदर ही इतना टूट जाता था कि वो सुसाइड कर लेते थे या वो पागल हो जाते थे। ऐसे बहुत से हमारे क्रांतिकारी हैं जो अंडमान की काल कोठरी में यातनाएं उनको इतनी दी गई कि वो पागल हो गए। वहां पर आत्महत्या करना चाहते थे तो उनको आत्महत्या करने के लिए कोई पजामे के अंदर कोई नाड़ा या कोई ऐसा सामान नहीं मिलता था, कोई ऐसा हुक नहीं मिलता था जिससे कि वो आत्महत्या कर सकें। तो अंडमान की उस काल कोठरी में वीर सावरकर रहे और एक दो साल तक नहीं, लगभग 12 साल तक रहे। जब तक, और 12 साल भी जब वो कब छूटे, जब अंडमान के ऊपर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो अंग्रेजों की बहुत बदनामी होनी शुरू हुई, वहां की खबरें आनी शुरू हुई, तो अंग्रेजों ने अपनी बदनामी से बचकर अंडमान की उस जेल को बंद किया और उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में उन्होंने विकसित किया। तो इस अंडमान में वीर सावरकर रहे और बिल्कुल प्रखरता के साथ रहे। उन्होंने, आप देखिए कि उस विपरीत परिस्थितियों में, 2 जन्म का कारावास है, घर में चिट्ठी लिख नहीं सकते, कोई व्यक्ति जानने वाला नहीं है, बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है, उस व्यक्ति की जीवटता देखिए कि उस परिस्थिति में भी उसने आत्महत्या नहीं की, उसने हार नहीं मानी। कितना ऊंचा मनोबल होगा, एक गोली खाना, एक बार फांसी के फंदे को चूमना, ये तो उसके सामने आसान है, लेकिन अंडमान की काल कोठरी में तिल तिल करके जलना, तिल तिल करके मरना, ऐसा वीर सावरकर जैसा वीर ही कर सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो ऐसे वीर सावरकर वीर थे। और वीर सावरकर कितने बड़े वीर थे इसका अंदाजा लगाते हैं जब उनकी शादी हुई। तो शादी होने के बाद जब वो पकड़े गए तो जेल में उनकी पत्नी मिलने के लिए आई। तो पत्नी मिलने के लिए आई तो वीर सावरकर कहते हैं कि ये कुछ ईंट गारा जोड़कर, कुछ घास फूस जोड़कर, अगर किसी झोपड़ी, किसी घर को बनाने को यदि जीवन कहते हैं, तो वीर सावरकर ने कहा कि ये जो चिड़ियां हैं, ये जो जितने भी जानवर हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो सब घर बनाते हैं। यदि 2 बच्चे पैदा करना जिम्मेदारी का काम है, कर्तव्य का निर्वहन है, तो ये भी कीड़े मकोड़े कर लेते हैं। उसने कहा
कि यदि हमने भारत की भूमि में जन्म लिया है और हम यदि अपनी मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं तो वो जीवन कीड़े मकोड़ों जैसा है। अपनी पत्नी को कहा कि मैं तुम्हें इस जीवन में सुख नहीं दे पाऊंगा, मैंने अपना जीवन मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया है। उनकी पत्नी और उनके बच्चे का थोड़े दिन पहले देहांत हुआ था और उनकी पत्नी भी इतनी हिम्मत वाली थी, उन्होंने उसी समय उनके पैर छुए और उन्होंने कहा कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी, आपने देश सेवा का जो व्रत लिया है मैं उसके साथ हूँ और अगले जन्म में भी मुझे आप जैसा पति चाहिए। तो ये समर्पण की भाव, ये भावना वीर सावरकर की पत्नी की थी। दो जन्म का कारावास उनको सुनाया गया था। नासिक के कलेक्टर की हत्या की योजना बनाने में भी वीर सावरकर का बड़ा हाथ था। मान सिंह, सरदार सोहन सिंह, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जो अंडमान की जेल में जिन्होंने सुसाइड कर ली या जो पागल हो गए। नानी राम का नाम का एक छोटा सा क्रांतिकारी था 18-19 साल का, वो क्रांतिकारी तो यातनाएं उसको इतनी दी गई कि वो पागल हो गया था। वहां पर एक जेलर बारी था। आप चाहें तो ये सारा वर्णन वीर सावरकर ने एक बहुत मोटी पुस्तक लिखी है, मेरा आजीवन कारावास, प्रभात प्रकाशन की ओर से उपलब्ध है। अमेजन से आप मंगवा सकते हैं, आपके नज़दीक कोई लाइब्रेरी है तो उसमें आपको मिल जाएगी और वो पुस्तक आपके घर में जरूर होनी चाहिए। मेरा आजीवन कारावास में वीर सावरकर ने एक एक दिन का विस्तृत वर्णन लिखा है। वीर सावरकर की जब इतनी चीज़ों से भी हिम्मत नहीं टूटी तो वीर सावरकर की जो कोठरी थी उसके बिल्कुल पास में फांसी घर बनाया गया और रोज 2 से 3 व्यक्तियों को वहां पर फांसी दी जाती थी। जब उनको रोज रात को फांसी दी जाती थी तो उनकी कोठरी के सामने ही वो जगह थी जहां उनको नहलाया जाता था, उसकी कोठरी के सामने ही वो जगह थी जहां फांसी घर था और फांसी देने के बाद लाश को उतारकर उनके सामने रखा जाता था। तो वीर सावरकर का मनोबल तोड़ने के लिए उनको कॉर्नर की एक कोठरी में रखा गया, उस कोठरी में रखा गया था जिसके सामने फांसी घर था। तो अंग्रेज ये सोचते थे कि रोज जब ये देखेगा कि इसके सामने रोज 3 व्यक्तियों को फांसी दी जा रही है तो ये व्यक्ति अपनी हिम्मत छोड़ देगा और ये पागल हो जाएगा, लेकिन वीर सावरकर ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वीर सावरकर ने कुछ पत्र लिखे हैं, उन पत्रों में उन्होंने अपने अधिकार पूर्वक लिखे हैं जो राजनीतिक बंदियों के, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके जो अधिकार होते हैं, जो मानवाधिकार होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, वो खुद एक बहुत बड़े वकील थे तो उन्होंने उस वकील के नाते अंग्रेजों को पत्र लिखे हैं कि हमारे साथ ठीक व्यवहार किया जाए, हमें, हमारे साथ अत्याचार नहीं किया जाए, हमारा जो आपके कानून के अनुसार हमारा जो गुनाह है वो इतना बड़ा नहीं है कि आप हमारे ऊपर इतना अत्याचार करें। तो उन्होंने अंग्रेजों को चैलेंज करते हुए पत्र लिखे और वो अपनी अपने जो ये वामपंथी जो षड्यंत्र करते हैं ना कि वीर सावरकर ने माफ़ी मांगी, उनमें से कोई एक दिन अंडमान की काल कोठरी में रह के दिखाए, एक दिन जहाज से कूद कर दिखाए, एक दिन वकालत जैसे पेशे को छोड़कर वहां पर अपना क्रांतिकारी जीवन बिताकर दिखाए। तो वीर सावरकर से ये घबराते हैं क्योंकि वीर सावरकर देश को जोड़ने की बात करते हैं। वीर सावरकर और वामपंथी, इनका षड्यंत्र निरंतर चलता रहता है। संसद में चित्र लगा तो इन्होंने विरोध किया, वाजपेयी जी का प्रस्ताव लेकर आए कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए तो उस प्रस्ताव का विरोध किया गया। वीर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको आजाद भारत में आजाद भारत की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वीर सावरकर ऐसे क्रांतिकारी थे, आजादी के बाद नेहरू ने उसको अपने घर में नजरबंद रखा, जेल में डाला। तो नेहरू के कितने पाप हैं, वीर सावरकर जहां अंडमान की काल कोठरी में रहते थे जहां पर यातनाएं मिलती थी, वहां नेहरू जी की आप यदि जेल देखें, गूगल के ऊपर डाल दीजिए नेहरू जी की जेल, तो उसको जैसे ही आप डालेंगे तो ऐसी अच्छी जेल का चित्र उभरेगा जिसमें अच्छा गुसलखाना बना हुआ है, अच्छी कुर्सी रखी हुई है, पेपर रखे हुए हैं, अच्छा सा बेड लगा हुआ है जिसके ऊपर रोज चादर बदली जाती है, अच्छी घूमने की व्यवस्था है। वीर सावरकर वहां रहे, वहां तो नेहरू जैसा व्यक्ति एक दिन भी नहीं रह सकता। तो वीर सावरकर कितने बड़े दूरदृष्टि थे, दूरदृष्टि वाले थे, इसकी चर्चा यदि हम करें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं कि उन्होंने 7 प्रकार की बंदियों से ये कहा कि इस हिंदुस्तान को यदि विकसित बनाना है, इस हिंदुस्तान को यदि अच्छा बनाना है तो 7 प्रकार से हमें बंदियों को तोड़ना पड़ेगा, 7 प्रकार की जो जंजीरें हैं जिसमें हमारा भारतीय समाज जकड़ा हुआ है उससे हमें बाहर निकलना है। तो उन्होंने कहा कि पहली तो है स्पर्श बंदी, जो हम छुआछूत करते हैं कि ये उस जाति का है, मैं इसको टच नहीं करूंगा, ये मेरे बर्तन में नहीं खाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि इस स्पर्श बंदी की जंजीर को तोड़ना है यदि भारत को महान बनना है। दूसरा उन्होंने कहा कि रोटी बंदी, उन्होंने कहा कि जैसे एक जाति दूसरी जाति के पास खाती नहीं है, दूसरी जाति के साथ घर में खाना नहीं खाती, अपने भोज में नहीं बुलाती, तो वीर सावरकर को
आज़ादी के बाद जब वो आज़ाद रहे तो उस समय जब उनको कोई आमंत्रित करता था, जैसे किसी स्वर्ण व्यक्ति ने उसको उनको आमंत्रित किया, तो वो एक ही बात कहते थे कि आपके यहाँ आपके आपके गांव में जो रहने वाले जो दलित समुदाय के लोग हैं, आपने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। वो पूछते थे कि आपने चूड़ों को बुलाया, आपने चमार को बुलाया, आपने धानक को बुलाया। पांच दलित जातियों का नाम देते थे जिनसे लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, रोटी का संबंध नहीं रखते थे, जिससे स्पर्श की बंदी रखते थे। तो वो कहते थे कि यदि आप इनको बुलाओ तो मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगा। और इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि जो दलित जातियाँ हैं वो भी आपस में राग द्वेष करती थी, स्पर्शबंदी करती थी। जैसे जो चमार जाति है वो महार जाति के लोगों को नहीं बुलाते थे, तो वीर सावरकर ने महार जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, जैसे उनको किसी चमार जाति के व्यक्ति ने उनको बुलाया कि आप हमारे घर भोजन करने के लिए आए, तो वीर सावरकर उनको कहते थे कि आप महार जाति के लोगों को बुलाइए तो मैं आपके यहाँ खाने के लिए आऊँगा। तो उन्होंने सात प्रकार की जंजीरें तोड़ने के लिए कहा। एक तो स्पर्शबंदी कि हम एक दूसरे से छुआछूत का विरोध ना करें, दूसरा रोटीबंदी कि हमारा भोज हो, हमारा उत्सव हो तो उसमें सब सामूहिक रूप से भाग लें, तीसरा उन्होंने कहा बेटी बंदी। उन्होंने उस समय विचार दिया कि यदि हमें अपने भारत को विकसित बनाना है तो हम अपनी जाति से बाहर जाकर भी संबंध स्थापित करें, रोटी का और बेटी का संबंध स्थापित करें। फिर उन्होंने कहा व्यवसाय बंदी। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ व्यवसाय जो हम इसलिए नहीं करते कि मैं फला जाति का हूँ, मैं फला जाति का हूँ, इस जंजीर को भी हमें तोड़ना पड़ेगा और जो विज्ञान का तकनीक का जो अच्छा व्यवसाय है उसके अंदर हम जाएंगे। फिर उन्होंने सिंधु बंदी के नाम से कहा कि ये एक जंजीर है। उस समय भारत में क्या माना जाता था 1900 से पहले कि कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार समुद्र पार कर लिया उसको धर्म से निकाल दिया, मतलब कोई व्यक्ति समुद्र पार करके चला गया तो उसको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाता था। और आज भी जितने चार शंकराचार्य हैं उन शंकराचार्यों में यदि कोई शंकराचार्य विदेश जाना चाहता है तो विदेश जाने से पहले उसको शंकराचार्य की पदवी को छोड़ना पड़ता है। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी का नाम सुना होगा आपने, उनके नाम के आगे क्या लगता है, निवर्तमान शंकराचार्य। क्यों? क्योंकि उनको विदेश जाना था, तो विदेश जाना था तो यहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि आप शंकराचार्य नहीं हो सकते। तो वीर सावरकर ने 80 साल पहले इसकी पहचान कर ली थी और उन्होंने कहा था कि ये जो सिंधु बंदी है कि हम देश के बाहर नहीं जाएंगे, देश के बाहर जाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको नहीं तोड़ेंगे तो भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता, विश्व की शक्ति नहीं बन सकता। दूसरी उन्होंने कहा शुद्धि बंदी। उन्होंने कहा कि उस समय क्या कानून था कि जैसे कोई व्यक्ति मुसलमान हो गया, मुसलमान का शुद्धिकरण करके वापस लेकर आए, तो वापस लाने के बाद उनको हिंदू धर्म के लोग स्वीकार नहीं करते थे, ना उनसे रोटी का संबंध करते थे, ना बेटी का बंदे, मतलब शुद्धिकरण करके वापस आया तो वापस आकर उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया जाता था कि उसको वापस दूसरे धर्म में मुसलमानों के पास जाना पड़ता था। तो वीर सावरकर ने पहचान लिया कि इसी प्रकार से कन्वर्जन होता रहा तो हिंदू धर्म तो खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि शुद्धिबंदी की जंजीर को तोड़ना पड़ेगा, मतलब कोई व्यक्ति हमारा भाई एक बार किसी तलवार के दबाव से, किसी और दबाव से यदि किसी दूसरे धर्म में चला गया तो यदि वो वापस आता है तो उसका हम खुले हृदय से स्वागत करेंगे, उसके शुद्धिकरण की किसी जंजीर में हम नहीं बंधेंगे। तो ये सात प्रकार की बंदी के बारे में वीर सावरकर ने प्रचार प्रसार किया। जितने वामपंथी हैं, जितने कांग्रेसी हैं, उनको मिर्च लगती है, क्योंकि यदि वीर सावरकर के विचारों की बात की जाए तो वो एक राष्ट्र की बात करते थे, भारतीय संस्कृति की बात करते थे, वैदिक संस्कृति की बात करते थे और समाज की कुरूतियों को, समाज की रूढ़ियों को, समाज की इन बंधनों को, जंजीरों को तोड़ने की बात करते थे। आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, अभी इसी साल कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई, उस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, बीजेपी की सरकार ने पढ़ाया कि वीर सावरकर वीर थे और उन्होंने ऐसे ऐसे अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो कांग्रेस की सरकार ने आते ही पाठ्यक्रम को बदल दिया, बदल कर क्या पढ़ाया कि वीर सावरकर वीर नहीं है, उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। वीर सावरकर ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, उन्होंने जो अपनी लास्ट में एप्लीकेशन लिखी उस एप्लीकेशन में वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि मेरे साथ यहाँ 200 बंदी यहाँ पर जेल में हैं, अंग्रेजों को लगता है कि मैं खतरनाक हूँ तो मेरे ऊपर मुझे रियायत की आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम लिस्ट से निकाल दिया जाए लेकिन जो दूसरे जिनका अपराध बहुत छोटा है उनको तो कम से कम रिहा कर दिया जाए। खुद की बात ना करके साथियों की बात करने वाला कोई व्यक्ति वीर हो सकता है, कायर नहीं हो सकता। तो ये वामपंथी अंग्रेज लगातार आलोचना करते रहते हैं वीर सावरकर की। तो ये हमने आज वीर सावरकर की जयंती पर उनको स्मरण किया, उनको नमन किया, उनको प्रणाम किया। वीर सावरकर के ऊपर मुझे लगता है कि गोष्ठियां होनी चाहिए,
वीर सावरकर के विचारों के लिए नौजवानों को बताना चाहिए, विद्यालयों में उनके ऊपर प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, उनके ऊपर भाषण रखने चाहिए, उनके ऊपर दो दो तीन तीन दिन की कार्यशालाएं रखनी चाहिए। अपने देश में भागवत तो खूब हो रही हैं, रामकथाएँ भी खूब हो रही हैं, वो भी होनी चाहिए, उनसे भी चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन अपने देश के यदि असली चरित्र का निर्माण करना है तो हमें कथा करनी पड़ेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, हमें कथा करनी पड़ेगी चंद्रशेखर आज़ाद की, हमें कथा करनी पड़ेगी भगत सिंह की, हमें कथा करनी पड़ेगी वीर सावरकर जैसे वीरों की। उनकी कहानियों को बताएं, उनके जीवन से प्रेरणा हो, उनके लिए कार्यशालाएं, उनके लिए वर्कशॉप आयोजित करें, उनके लिए विद्यालय महाविद्यालय में नौजवानों को बताएं कि ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने ऐसी यातनाएं सही हैं और उसके बाद भी वो कभी हटे नहीं, कभी डिगे नहीं, कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, जो सीना तानकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। अभी अंडमान निकोबार की जो काले पानी की जेल है, अभी भी वो जेल खड़ी हुई है, उसकी उसकी मीनार का एक हिस्सा गिरा है, लेकिन वीर सावरकर की कोठरी वही अभी भी है। मुझे अवसर मिला वहाँ पर जाने का, और वीर सावरकर की कोठरी दिन में खुली रहती है तो कई घंटे मुझे बैठने का अवसर मिला। मैं उन स्पंदन को, उन वाइब्रेशन को वहाँ पर महसूस करना चाहता था कि हमारे वीर, हमारे क्रांतिकारी किस पीड़ा में यहाँ पर रहे होंगे। वहाँ से उस कोठरी से दिखने वाले फांसी घर को मैंने कई कई घंटे तक देखा है। वीर सावरकर की उस कोठरी में आप भी चाहें तो आप जा सकते हैं। आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएं नहीं कर पाएं, आप केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, अमरनाथ जाएं, आप गंगा का स्नान करें, आप गंगा सागर जाएं, आप अलग अलग चारों धामों में जाएं ना जाएं, लेकिन अगर कोई आज़ादी का सच्चा तीर्थ है तो वो काले पानी की वो जेल है। उस काले पानी की जेल में हमारी आज़ादी का इतिहास लिखा हुआ है। उस काले पानी की जेल में जाकर हमें पता लगता है कि हमारे क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से हमें आज़ादी दिलवाई है। और उस काले पानी में आज़ादी के बाद क्या हुआ, उस काले पानी में अंडमान निकोबार के ऊपर जब अंग्रेज़ों का कब्जा था तो जापानियों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सरकार की स्थापना की थी जिसने 13 देशों की मान्यता दी थी, तो उस सरकार के पास अपनी कोई भूमि नहीं थी क्योंकि उसकी स्थापना जापान में हुई थी, बर्मा में हुई थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र आज़ाद हिंद फौज ने जापानियों के साथ जब भारत के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर हमला किया तो सबसे पहले अंडमान निकोबार पर कब्जा किया। तो अंडमान निकोबार के ऊपर जैसे ही अंग्रेजों के कब्जे से बाहर आया तो जापानियों ने अंडमान निकोबार में को कब्जे में लेते ही तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार उसी सेल्युलर जेल के बाहर 1945 में झंडा फहराया था, 1944-45 में, और उन अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार तो उनका नाम है, अंग्रेजों का नाम, उन्होंने उसका नाम लिखा था शहीद और स्वराज द्वीप। 1947 में आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार के अंडर में वो दोनों द्वीप आए तो उन्होंने उनका नाम बदला नहीं, नेहरू ने 70 सालों तक यही नाम चलता रहा। पिछले दिनों मोदी जी गए तो मोदी जी ने उनका नाम बनाया, और वहाँ जो एक द्वीप है उसका नाम तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, सबसे जो लास्ट में भारत की सीमा के लास्ट में जो द्वीप है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा गांधी का ना आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना है ना देना है, इंदिरा गांधी का कोई मतलब नहीं। और कमाल की बात देखिए, उस सेल्युलर जेल के बाहर जहाँ पर क्रांतिकारी रहे, नेहरू जी कभी जीते जी अंडमान निकोबार गए नहीं, उनको अंडमान निकोबार के नाम से चिढ़ थी। राजीव गांधी की वहाँ पर समुद्र के अंदर बीच में कई सौ फीट लंबी एक प्रतिमा लगी हुई है जिसमें वो फूल की माला को हाथ में ऐसे घुमा रहे हैं और ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे अंडमान निकोबार की यातनाओं को झेलकर राजीव गांधी और गांधी परिवार यहाँ पर आया है। राजीव गांधी ने ना यातना सही ना कुछ और सही, वहां पर गांधी परिवार की, राजीव गांधी की मूर्ति लगी हुई है। मैं कभी नहीं कहता कि ऐसी मूर्तियां तोड़नी चाहिए, पर गांधी परिवार का कोई योगदान नहीं है, उस मूर्ति को वहां पर तोड़ देना चाहिए और उसके स्थान पर वीर सावरकर की मूर्ति लगनी चाहिए। वहां पर क्रांतिकारियों को याद करने की कोई जगह नहीं है, लेकिन वहां पर अलग अलग जो छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं तो वहां पर एक द्वीप बना हुआ है जहां पर अंग्रेजों की कब्र होती थी। उस मेरा 2011 में वहां पर जाना हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो वो जो अंग्रेजों की कब्रगाह थी जहां पर अंग्रेजों के सिपाही जो हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के ऊपर अत्याचार करते थे उनकी सबकी कब्र बनी हुई थी, जब उसको मैंने देखा तो उन सब की कब्र साफ थी, वहां पर लैंप लगे हुए, उनको इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ कि जैसे वो भारतीय क्रांतिकारियों की कब्रें।
और भारतीय क्रांतिकारियों की नामों निशान भी वहाँ पर हम अगर देखें तो वो है नहीं। वो नामों निशान भी कैसे बने, कोई आप जैसा हम जैसा भावुक व्यक्ति चला गया, उन्होंने मूर्तियाँ लगा दी, तो अभी भी वहाँ पर वो जेल है। आपको यदि किसी सच्चे तीर्थ के दर्शन करने हों तो आप अपने बच्चों के साथ अंडमान निकोबार जरूर जाइए। उस अंडमान निकोबार में जाकर आपको पता लगेगा कि आज़ादी क्या होती है। जापान में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले नागासाकी और हिरोशिमा दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपके देश के साथ ये हुआ था 1945 में और इस ये होने के बाद हमने देश को कैसे खड़ा किया है, तो वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है, हमारे पाठ्यक्रम में हमारे गौरव को नहीं पढ़ाया जाता, हमारी हीनता को, हमारी दीनता को पढ़ाया जाता है, हमारे आत्मगौरव को, हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को नष्ट किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान बने, और उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। आप और हम वीर सावरकर की इस जीवनी को, क्रांतिकारियों की इस जीवनी को, इन कहानियों को एक एक बच्चे तक पहुँचाएँ। आप और हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकें तो जो सामग्री YouTube के ऊपर उपलब्ध है उसको शेयर करें, WhatsApp के ऊपर अपने साथियों को बचाएं, अपने आप कलेक्शन करें, अपने आप अपना Facebook लाइव कीजिए, कोई अच्छा लाइव आपको लगता है तो उसको शेयर कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा किसी भी क्रांतिकारी की यदि शहादत दिवस या जीवनी आता है तो हम सब मिलकर बैठकर उस क्रांतिकारी को स्मरण करते हुए बातचीत जरूर करेंगे। व्यस्तता रहती है, 5 बजे मैं लाइव कर रहा था उस समय पूरा नहीं हो पाया, तो अभी मैं घर पहुंचा हूं, तो मेरा मन किया कि पहले वीर सावरकर को की जयंती पर उनको नमन करें। जो हमने सुना है, हमने अनुभव किया है, हमने पढ़ा है, उसको अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें हम शेयर करेंगे तो हमारा देश अच्छा बनेगा। हमें पढ़ाया नहीं जा रहा, इन चीज़ों की पहल हमें खुद करनी पड़ेगी। आइए वीर सावरकर को बहुत श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। वीर सावरकर ने जो यातनाएँ सही, उसका 1% भी जिम्मेदारी, कर्तव्य की भावना, स्वाभिमान की भावना हम अगर धारण कर लें तो अपना देश बहुत अच्छा देश बन सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।